ये भाई ऐसे ही बैठे थे और उनसे मोबाइल छीन के लड़का भाग गया, गाड़ी स्लो थी, इन्होंने जंप कर दी 104 किलोमीटर पर आवर। हाफज होटल पे बारबेक्यू की वैरायटी काफ़ी होती है, लेकिन अभी 6 बजे हैं, इतना डिस्प्ले में नज़र नहीं आएगा। लो आइटम्स भी हैं, कड़ी पकौड़ा है साथ ही, अंडा चने हैं, दाल माश है, दाल चने की दाल, सब्जी भी अच्छी खासी वैरायटी है। ये भी कोई फास्ट फूड भी है जिसमें जिंगर बर्गर, शॉर्मे वगैरह, अब्रोस सारा कुछ है। अलबत् रिकमेंडेड नहीं है ये, इनका तो जो है ब्रोस्ट वो खाया था, एक्सपेरिमेंट सही नहीं था। अलबत् जितनी इनकी ज़्यादा रश है उतनी ही ज़्यादा मिस क्या कह लें, बस थोड़ा सा रूडनेस है इनके स्टाफ में। और लेकिन ये कि महंगा भी है थोड़ा सा, आस्ता आस्ता महंगा होता जा रहा है। चलें स्टेशन पे चलते हैं। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और 26 अक्टूबर है और मगरिब अब खैर से 5:15 अजानें शुरू हो जाती हैं। वेलकम टू लाहौर जंक्शन, खुश आमदीद पाकिस्तान रेलवे लाहौर जंक्शन। बड़ी प्यारी फ्लाइट चल रही है, हमने इंक्वायरी ऑफिस इधर है। तो 6:05 हो रहे हैं और अभी अभी इस्लामाबाद एक्सप्रेस गई है, कराची एक्सप्रेस का रश अभी बैठा हुआ है, इसके बाद अवामी आएगी और फिर ग्रीन लाइन का टाइम हो जाएगा। तो स्टेशन भी आ गया और 16 डाउन भी प्लेस हो चुकी है। कराची एक्सप्रेस और तकरीबन आधा घंटा डिले के साथ खैर से चली जाएगी। 5 पे अवामी आएगी, उस पर कुछ गेस्ट हैं उन्होंने जाना, और फिर 8 पे मेरी गाड़ी आएगी, उस पर चलेंगे। साथ एक और रेक प्लेस हो रहा है, मुझे तो लग रहा है 33 भी नहीं गई हुई या ये कोई इलामा इकबाल लेट आई हुई है। मैं वहाँ 5 नंबर पे खड़ा था और विदाउट एनी अनाउंसमेंट जो बद्रा एक्सप्रेस है वो साइलेंटली आ गई हुई थी। 6309 3000 HP का लोकोमोटिव आया है इसके साथ, और इनका कुछ सामान रह गया एक्स्ट्रा कोच में, अल्लाह खैर। तो चलते हैं अब, गाड़ी वो वहाँ पे है, इंट्रो मैंने अभी तक नहीं बनाया हुआ, और बात वही है कि लाहौर से सफदराबाद में ट्रैवल कर रहा हूँ और पिछला ये वाला महीना जो है कुछ परेशानी के सफ़र ही आए हैं सफदराबाद के, थोड़ी सी तसल्ली वाला आ जाए बाकी अल्लाह खैर करे। तो ये गौरी एक्सप्रेस है बेसिकली, सेम रेक 4 दफ़ा चलता दिन में, 6315 प्लेस जाए और ये लीड करेगा इसको यहाँ से फैसलाबाद तक। बड़ा बम्ब लोकोमोटिव है, 3000 HP के लोकोमोटिव हैं ये, 19 कोचेज के रेक को उड़ा के ले के चले जाते हैं, और पैसेंजर ट्रेन के साथ भी यही जा रहा है, तकरीबन 10 कोचेज के रेक को लेके जाएगा। मीनवाइल ZCU-20 6419 भी खड़ा हुआ है। नॉर्मली ये 5 नंबर और 8 नंबर के दरमियान जो स्पेयर लाइन है वहाँ खड़ा होता है, ये पिंडी साइड जाने वाली ट्रेनों के साथ लगे होते हैं। तो गाड़ियाँ आज अजीब ही काम है, 16 डाउन लेट है, उधर से आपकी जो 9 अप खड़ी हुई है अभी तक, और ये भी कोई 2000 HP की पावर जो है कोई या खैबर मेल की होगी, वो राइट टाइम आ रही होगी। और खैर 6315 डेफिनेटली मेरी गाड़ी को लीड करने वाला है। इस गाड़ी में एक मसला होता है कि इसमें अगर कोई एक शख्स भी बैठ गया ना, जिस सीट पे बैठा है वो पूरा कैबन ही उसी का, वो ज़्यादा देगा तो अगला बंदा बैठेगा, तो आपको जगह लेनी बड़ी मुश्किल होती है। एक भाई को मैंने कहा कि यार ये है जगह तुम्हारे पास, उन्होंने कहा हाँ जी है, तो कुछ चाय शाय ले लेते हैं। हाँ 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 हाँ, ये जो हमिंग होती है ना ZCU-20 की, ये बहुत ही कमाल है। ZCU-30 आया है, ये लीड करेगा।
गर्मा गर्म चाय आ गई है साथ निम्को। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे चाय बहुत अच्छी मिलती है और ये शक्कर वाली चाय है। इस वक्त गाड़ी का डिपार्चर का भी टाइम है, इसका आसान हाल यही है, ऐसे करें ये ठंडी हो जाएगी और पीने में आसान हो जाएगी। ZQ30 कपल हो चुका है 6315, चाय वगैरह निम्को शिमको खा ली हुई है। सामने से नारोवाल पैसेंजर आ रही है। इस गाड़ी में अगर आप विदाउट टिकट सवार होते हैं तो याद रखें इमरान इंटरप्राइजेज के अंडर चल रही है, आपको एक्स्ट्रा जो फाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये पड़ेगा। मेन वाली है 6317 भी 6327 हो यार, ये सारी फ्लीट बड़ी ज़बरदस्त है ZQ30 की। इसकी चेकिंग साउंड बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। चलते हैं अपनी कोच में, ये आ गया साइन करवाने। चलो जी, पैरेलल में मेन लाइन चल रही है लाहौर पेशावर वाली। पैसेंजर ट्रेन के साथ जब ये लोकोमोटिव जाता ना मज़ा बड़ा आता है। होते तो बहुत मज़ा आता, लेकिन है ये भी उसी प्रजाति का लोकोमोटिव है। मोबाइल चल गया इस तरह से, जैसे बंदा मोबाइल छीन के भाग गया तो बंदा भी उसके पीछे ही उतर गया, उसने पकड़ भी लिया। तो याद रखिएगा इधर मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, ये देखेंगे इस तरह के आते हैं राम राम से। गाड़ी स्लो थी, मोबाइल छीना है, उसी वक्त बंदा उतरा है, मैंने आगे पकड़ लिया उसको, लेकिन गाड़ी उसकी मिस हो गई क्योंकि रुलेगा वो तो क्या ज़रूरी है। सही गरजदार मिसलिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ से गाड़ी स्पीडअप होती है और आबादी भी है। मोबाइल छीन रहे हैं भाई, मोबाइल आपने अपने जो है वो खुद कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यहाँ से बचना कोई नहीं है मोबाइल। तो ये कौन सी क्लास कोच है, नेट ही नहीं आ रहा भाई। भाई ऐसे ही बैठे थे और उनसे मोबाइल छीन के लड़का भाग गया, गाड़ी स्लो थी, इन्होंने जंप कर दी और वो घबराहट में मोबाइल फेंक के भाग गया। इन्होंने उसको भी पकड़ लिया था, बट मोबाइल लेके आ गए हैं। कामले को भाईजान, पहले तो एहतियात ज़रूरी है, दूसरा आपके हौसले को सलाम है। तो आपको नज़र नहीं आया बंदा वहाँ पे आता हुआ, छुपा हुआ था कहीं? तो जैसे ही उसने छीने आपने जंप कर दी। वो भागा था या वहीं रुका हुआ था? नहीं, वो भाग गया था। भाग गया था, मोबाइल गिर गया, मोबाइल नीचे गिरा। तो भाई की माशाल्लाह जिसामत देख लें, अगर वो पकड़ लेते उन्होंने फेंटी बड़ी लगानी थी। तो आप भी जब आएँ तो एहतियात ज़रूरी है, पैसेंजर ट्रेन है इसमें मजबूरी है ऐसे बैठना। मोबाइल दिखाइएगा कौन सा था ये, माशाल्लाह इन्फिनिक्स का मोबाइल था और कॉल आ रही है। तो ये हौसला है भाई का, तो हम जैसे बर्गर बचे तो रो ही सकते हैं। ये भाई की हिम्मत है, वो चलती गाड़ी से उतर के मोबाइल लेके वापस भी आ गए हैं। ये बड़े मज़ेदार से आलू चने मिक्स नज़र आए हैं गाड़ी में। नॉर्मली ये बचपन में हम ये चीज़ें खाते थे, अब लोकल ट्रेन में भी अवेलेबल हैं और इस तरह की पैकिंग में ये भाई देता है 50 रुपीज़ का। खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है फ्रेश सब्जियों की, लेमन की।
और खा के देखते हैं कैसा है। वैसे मुझे सोर थ्रोट का मसला है, मैं अवॉइड करना थी चीज़ें, लेकिन खट्टे के बगैर खाई जा सकती है। 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है और अभी चीचो की मलियाँ के पास से गाड़ी गुजरेगी और 3000 HP का लोकोमोटिव लगा हुआ है, 3300 हॉर्स पावर का, जिसमें 6 ट्रैक्शन मोटर्स हैं और कोको टाइप लोकोमोटिव। खैर ये बेसिकली फैसलाबाद से लाहौर फ्यूलिंग के लिए आते हैं ये लोकोमोटिव, और फिर फैसलाबाद से कराची तक ये वर्क करते हैं, जिसमें आपकी मिल्लत एक्सप्रेस भी है, रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस, उन ट्रेनों के साथ। 104 किलोमीटर पर आवर, ओह 101 पर ड्रॉप हुई है। चलो जी, प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है, उधर ज़रा ख़वातीन होती हैं, रश होता है, उधर नहीं हम जाएंगे। मोबाइल स्नैचिंग वाला मामला अभी अभी देखा है, सेफ्टी से। तो शेखुपुरा से गाड़ी निकल गई है, तो फरुखाबाद स्टेशन आया है। यहाँ पे ये भाई ने उतरना जिनका मोबाइल गिरा था, थोड़ा सा भाईजान खैर खरी से जाए, मुबारक हो, मोबाइल आपको मिल गया, लेकिन हौसला खुद ही करना होता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो दोबारा ज़रा आपने एहतियात भी करनी है, जी ज़रूरी है वो। बाकी जब आप उतरे थे तो मुझे परेशानी हुई थी कि शायद आप गिर गए हैं, लेकिन साथ को भाई को भी हो गई थी। हाँ तो ये भाई थे साथ, तो ये अच्छी बात है कि आप मोबाइल लेके खैर खरी से वापस भी आ गए, ना ख्याल रखिएगा। ठीक है सर। तो यूट्यूब उमेर, ऑन यूट्यूब उमेर मेरा नाम है। ओहो कैसा विसल गूंजता है इसमें, और नेक्स्ट स्टॉप अब सफदराबाद होगा। हैरान कुन ब्रेक लगी है स्टेशन के बाहर। चलो जी आ मंडी आ गए। अंधेरे में डूबा हुआ प्लेटफॉर्म है, ब्रांच लाइन पे मुसाफिरों को यही मसले रहेंगे हमेशा से ही, और सिर्फ जो बिल्डिंग है उसके ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है, जो कि आपके किसी घर के छोटे से कमरे में भी लगा हो तो इनफ होता हार्डली। और पैसेंजर यहाँ पे भी काफ़ी, बिकॉज यहाँ से रोड के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है, फैसलाबाद या लाहौर जाना है इस टाइम। धूप अंधेरे में इस लोकोमोटिव की लाइट बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्योंकि 10 कोचिस के एक छोटे से रेक को उड़ाता हुआ लेके आया है बेरहमी से। कोको टाइप लोकोमोटिव है, 3 एक्सल एक ट्रक पे होते हैं, 3 दूसरे पे, 6 ट्रैक्शन मोटर्स, ZU30